आगाज करते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर के बारे में पढ़ा था। कुछ उसकी बुनियादी चीज़ें वो हमने देख ली थी। अब हम वहाँ से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ये वाली प्रेजेंटेशन नहीं, ये तो दूसरी है ना, सोशल मीडिया पे, ये उसके बाद हम शुरू करेंगे। पहले वो पिछले वाली प्रेजेंटेशन ले आएं दोबारा से, पिछले जुम्मे वाली, फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर वाली। तो हमने उसमें ये देख लिया था फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर के तफसीलात में कि जो मुल्क हैं, लोग हैं, उनके ऊपर अब जदीद दौर में उन पर खतरात के कई नए पहलू निकल आए हैं। जी, तो मुल्कों के लिए इस वक्त में फौजी तौर पर उन पर टेक ओवर करने, उन पर हमला करने के साथ में जो एक बड़ा खतरा मंडला रहा है वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर का, यानी फिक्री और नजरियाती तौर पर लोगों को मफलूज कर देना, उनका मोराल डाउन कर देना, उनकी हिम्मत तोड़ देना और उनको बाहम लड़वा देना, उनमें असबियत को हवा दे देना, उनके दरमियान दबे हुए मसाइल को जिंदा कर देना। हाँ जी, इससे भी पीछे। जी, तो इसके ऊपर अब, जी, इससे भी पहले, इससे भी पहले, ये तो आगे की चीज है ना। इससे पहले, हाँ, ये तो, ये कौमों पर हमला करने का नया अंदाज है कि आप लोगों के अफकार को, नजरियात को, फिक्र को निशाना बनाएं, उनको आपस में, उनको नफसियाती तौर पे मायूस कर दें कि यार ये रियासत नहीं कर सकती, पाकिस्तान में तो है ही ऐसा, पाकिस्तान में रहते हुए मुमकिन नहीं, यहाँ से जिंदा भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ, पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। आजकल वैसे भी ये बातें बड़ी, बहुत बड़ी सतह पे कही जा रही कि कौम नफसियाती तौर पर मफलूज हो जाए, मायूस हो जाए और वो समझे यार कि हमसे नहीं होगा। तो किसी शख्स को मारने के लिए हथियार नहीं चाहिए होता, उसको नफसियाती तौर पर अगर आप कमजोर कर दें, उसके हौसला छीन लें, उससे उम्मीद छीन लें, वो जिंदा मर जाता। तो उम्मीद, हौसला, लगन, ये बुनियाद होती है कामयाबी की। मायूस कौमें कामयाब नहीं होती, मायूस लोगों के हालात कभी नहीं बदलते हैं। जिनके हिम्मत टूट जाती है वो कभी भी कोई बड़ा काम नहीं सरंजाम दे पाते। और ये जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर है, इसमें सबसे ज्यादा हमला ही इस पर किया जाता है कि आप किसी भी कौम पर, किसी भी ग्रोह पर, किसी भी जमात पर नफसियाती तौर पर हमले करें और उनको ये बावर करा दें कि तुम से नहीं हो सकेगा, आपस में बदजन कर दें कि भाई ये तुम्हारे हुक्मरान तो सारे के सारे एजेंट हैं और सभी करप्ट हैं और सब ऐसे हैं। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरी कौम 100% ऐसे हो जाए, खराब हो सकते हैं, कुछ ग्रोह भी खराब हो सकते हैं, लेकिन पूरी कौम से मायूस हो जाना, सारे के सारे तबके को मलामत करना, ये एक गलत रिवायत है। तो लोगों में मायूसी फैलाना, आपस में नफरतों को हवा देना, असबियतों को जिंदा करना, भाई सिंधी और पंजाबियों को लड़ाना, पख्तून और बलोचों को लड़ाना, आपस के इसी तरह के जो असबियत पर मबनी नारे हैं उनको हवा देना, देखो पठानों पर जुल्म हो रहा है, पख्तूनों को हमेशा मारा जाता है और पंजाबी हमेशा हुकूमत ले जाते हैं और सिंधियों पर जुल्म होता है, यानी इस तरह के अल्फाज जिसको कुरान और हदीस ने मना किया है कि ये जो कौम कबीला है ये तो शनाख्त के लिए है,
एक दूसरे पर फख्र और तफाखुर जताने के लिए नहीं है। तो इसकी बजाय इसके तफाखुर के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करना, ग्रोहबंदी के लिए करना और दुनिया की तारीख में सबसे आसान होता है असबियत को जगा देना। कि देखो, उलमा के साथ हमेशा यही होता है और हिजाब वालों के साथ ये होता है बस, यानी लोगों को असबियत पर उभार देना कि जी आपके पूरे तबके के साथ ये कुछ हो रहा है, बजाय इसके कि आप उसके काज और इफेक्ट का अंदाजा लगाएं, उसका तजिया करें, उसके असबाब और सद्देबाब की फिक्र करें, उसके अमल और रद्दे अमल की फिक्र करें कि किस वजह से ये काम हुआ है और ये जो मसाइल पैदा हुए हैं इसमें कोई हमारी अपनी खराबी तो नहीं। इन चीजों के बजाय पूरी की पूरी ग्रोह को नफरत दिला देना, उनको लड़ने मरने पर आमादा कर देना, ये चीजें फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर का हथियार होती हैं। और खसूसन इसमें हिस्सादार वो कौमें बनती हैं जहां तालीम की कमी। हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में लोग गुस्से में जल्दी आ जाते, इस वक्त मसलन मस्जिद अक्सा का मसला, हर बंदा पाकिस्तान को गालियां देने में लगा हुआ है, इस्लामी मुल्कों को गालियां दे रहा है, कह रहा है मैं बस जाऊंगा और शहीद हो जाऊं। तो ऐसे हालात पैदा करना, कौमों में को जज्बाती बना देना, उनको इतना जज्बाती बना देना कि वो उनमें सोचने समझने आगे बढ़ने के जो सलाहियत है वही मफलूज हो जाए। सकाफत पर हमला करना, लोगों को अपनी नजरों में खुद गिरा देना, रियासती इदारों की रीढ़ को कमजोर करना कि जी लोग जब पुलिस से बदजन होंगे तो पुलिस की मानेंगे थोड़ी, लोग जब रियासत से बदजन होंगे तो रियासत उठना शुरू कर देंगे, जिसके हाथ जो कुछ आएगा वो उसको उठा लेगा। तो रियासत से लोग बदजन हो जाएंगे, रियासत की रीढ़ कमजोर हो जाए, कानून की अमलदारी ही नहीं होगी मुल्क में। वार ऑफ नैरेटिव्स, यानी हर शख्स के पास अपना एक फलसफा है, अपना एक नजरिया है, हर शख्स अपनी राय पर सख्ती से वो डटा हुआ है कि बस यही मेरी जो मेरे दिमाग में है, पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल यही है। तो ये वार ऑफ नैरेटिव्स कहलाती कि आप अपने दिमाग में अपनी सोची हुई जो चीजें हैं उनको कहें कि बस यही है जो इसके मसाइल का हल है और इसी के जरिए से मसला हल होगा, इसके अलावा सारी फजूल बातें। अगली स्लाइड पर चलें, अगली स्लाइड कर दीजिए। ये है कि आप हुकूमत, फौज, अदलिया, तीन बड़े सुतून हैं किसी भी रियासत के, इनके खिलाफ कैंपेन चलाएं। हुकूमत करप्ट है, कोई काम नहीं करती, ये अवाम के लिए नहीं, ये लूटने के लिए आते हैं, ये खाने के लिए आते हैं, ये इतनी बात कही जाए कि लोग इस पर एतमाद करना ही छोड़ दें, और हुकूमत के खिलाफ उसकी बगावत पर उतर आए, सिविल नाफरमानी की सूरत हाल बन जाए, उसकी बात मानना ही खत्म कर दे। सही है, फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, ये तीन बड़े सुतून होते हैं रियासत के, इनके खिलाफ इतना प्रोपेगंडा करना कि अदलिया का वकार ही खत्म हो जाए, अदलिया की रीट ही ना रहे, अदलिया अपनी कोई बात मनवा ही ना सके। फौज के खिलाफ इतना प्रोपेगंडा करें कि फौज पसपा हो जाए, वो अपनी बैरकों में बंद हो जाए, लोगों में कोई अवामी हिमायत हो ही नहीं, और जो वो काम करें उसमें शकुक व शुभात उठाना शुरू करें कि ये सब खाने पीने के बहाने, अब कोई नया खाने का बहाना इन्होंने बना लिया है, और ये यानी हमेशा उनके बारे में मनफी प्रोपेगंडा करना ताकि उनका मोराल जो है वो गिरता चला जाए, उनका हौसला टूट जाए। तो जाहिर है जिस जब किसी इदारे का हौसला टूट जाता है फिर वो कोई इकदाम नहीं कर सकता, वो पहले ये सोचने में लग जाता है कि लोगों का रद्दे अमल क्या होगा,
तो लोगों को हम कैसे मुतमईन रखें, वो इन कामों में उलझ जाता है। जी अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये इसके खारजी और दाखिली दुश्मन हैं। खारजी दुश्मन का मतलब ये है कि बाहर से जो हमले हो रहे हैं, दाखिली दुश्मन जो अंदर से हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की अफवाज जो हमले कर रही हैं। आगे हम जाकर देखेंगे कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर में दो तरफा जंग होती है। ये असल में लड़ी अंदर से जाती है और इसको मवाद बाहर से फराहम किया जाता है, यानी दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारे, उनके सरमायाकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो जाली वेबसाइटें बनाकर वहां पाकिस्तान के खिलाफ जाली डेटा दे रहे हैं, और बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइटें हैं जिनका काम ही फेक खबरें पाकिस्तान के हवाले से जनरेट करना है, फिर उनको पॉपुलर बनाना है, उनको मशहूर करके पाकिस्तान को बदनाम करना है। तकरीबन सारी रियासतें इसी कामों में लगी हुई हैं। दुनिया में जो रियासतों के आपस में मसाइल हैं, पाकिस्तान इंडिया के आपस में मसले हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। इसी तरह दूसरे ममालिक के हैं, उनके दरमियान में भी इसी तरह की जंगे चल रही हैं, तो वो फिफ्थ जनरेशन का आप सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से कंपेन चलाएंगे और लोगों की ब्रेन वॉशिंग करेंगे, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए से, लिंक्डइन के जरिए से मुल्कों के खिलाफ प्रोपेगेंडा उरूज पर है। दाखिली तौर पर इसमें क्या होता है कि कुछ गैर मुतमईन हलके हमेशा होते हैं किसी भी मुल्क में, अमेरिका या दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में कुछ लोग आपको बहरहाल मिल जाएंगे जो अपने मुल्क से शदीद मुतनफिर होंगे। इन शदीद मुतनफिर लोगों को उससे बचना ये रियासत के लिए चैलेंज होता है, और इन जो मुतनफिर लोग हैं अगर इनको आवाज मिल जाए, कुव्वत मिल जाए, इनको तर्जुमानी के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो फिर ये मायूसी कई गुना बढ़ती चली जाती है। तो खवारिज यानी जो रियासत पर हमलों के दावेदार होते हैं, रियासत के खिलाफ बगावत करने वाले तबके हैं, ये भी हर रियासत में मौजूद होते हैं कम या ज्यादा। इनको कंट्रोल करना ये बड़ा अहम होता है। करप्ट सियासतदान जाहिर है इसका एक बड़ा सबब बनते हैं। उनको को संभालना ताकि बुनियादी उस वजह का खात्मा हो जाए जिस वजह से ये सब नारे लगाए जाते हैं। लिबरल्स, उनका भी यही इशू होता है कि रियासत से वो मुतनफिर रहते ही रहते, खुसन पाकिस्तान में जहाँ रियासत थोड़ी सी मजहबी भी है, मजहबी आज़ादी बहुत ज्यादा है, मस्जिदें आज़ाद हैं, मदारिस आज़ाद हैं, दीनी तंजीमें आज़ाद हैं, इस्लामी तहरीकें आज़ाद हैं, किसी भी इस्लामी मौजू पे आप प्रोग्राम करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं बनता। तो ये ऐसी जगहों पर लिबरल्स भी फिर रियासत के खिलाफ पर कहते हैं कि ये जो मजहबी इकदाम कर रही है इनसे पीछे क्यों नहीं हट जाते। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर रियासत की सतह पे आप जाकर खड़े हों कि जी मैं खुद मुल्क चला रहा हूं, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि कितने मसाइल का सामना रियासत को होता है। कौमी तासुब वाली तंजीमें, अब सिंधु देश की तंजीमें चल रही हैं, पीटीएम चल रही है, पख्तूनों की तहरीकें चल रही हैं, मुख्तलिफ लिसानी ग्रोह हैं जो मौजूद हैं। अब लिसानियत और असबियत की बुनियाद पे जो जमातें वजूद में आती हैं ये सब की सब इसी तरह से वो बनती हैं, और इनकी वजह से रियासत को खतरा फिर दो चार रहता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये है प्रोपेगंडा वार। ये हमने बात कर ली सद्दाम हुसैन के खिलाफ, जो उसके
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, तो उनका दावा किया गया था, मिला कुछ नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि हम माजरत चाहते हैं, पूरा मुल्क तबाह कर दिया, वहाँ पूरी मशीनरी चेंज कर दी, और अहले सुन्नत से वो लेकर उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को रियासत हवाले कर दी। लेकिन बहरहाल इसके बाद वो कहते हैं कि हम माजरत चाहते हैं। और हमें कोई भी सबूत इसका नहीं मिला है। चले अगली स्लाइड पर चलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोपेगेंडे के लिए इसका भी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरियां, शकूक व शुभात, खुद से अमेरिका ने कर लिया, ये यहूदियों ने करवाया है, और उस दिन इतने यहूदी गायब थे। तो ये सब फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर है कि आप अपने आप को ये साबित करें कि मुसलमान गोया कुछ कर ही नहीं सकते, मुसलमानों के बस में कुछ नहीं है, और ये सब उन्होंने खुद से आपस में कर लिया। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। ट्यूनस, ट्यूनस में हु क्या हुआ, बू अजीजी नामी एक नौजवान ने अपने आप को आग लगा ली, और वो असल में सदारती महल के सामने ठेला लगाता था अपना, था वो मास्टर्स उसने किया हुआ था, और उसको कोई नौकरी नहीं मिली, तो फ्रूट की या सब्जी की, फ्रूट की रेड़ी लगाता था, ठेला लगाता था सदारती महल के सामने। और वहीं पे उसको, जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि अचानक जो है वो तजावुजात के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है कि भाई सड़कों पे कोई नहीं नजर आए, तजावुजात ना हो, तो और तजावुजात वाले आते हैं, रेड़ियाँ उठाकर ले जाते हैं, फ्रूट और सब्जी बेचने वालों को उठाकर ले जाते हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा होता है। तो इस तरह की सूरत हाल हमारे यहाँ होती रहती। तो ऐसे ही वहां पर उन्होंने जो ठेले लगाने वाले थे उनको वो पाबंदी लगा दी, तो वो अबू अजीजी बेरोजगार होने लगा, उसके उसने फिर ठेले लगा दिया, म्यूनसिपैलिटी और जो भी शहरी हुकूमत वाले थे उन्होंने आकर उसकी रेड़ी जो ठेला था उसको तबाह कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। तो अब उसका जो जरिया रोजगार था वो भी चला गया। तो उसने क्या किया, इंतकामी तौर पर सदारती महल के सामने आया, अपने आप पे पेट्रोल छिड़का और अपने आप को आग लगा दी। तो खुद सोजी की उसने सदारती महल के सामने। अब 2010 में पूरी दुनिया के 9 में 10 में लोगों के पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आ चुके थे, लोगों ने फेसबुक के ऊपर लाइव उसकी तस्वीरें देना शुरू कर दी, सोशल मीडिया पे लाइव उसकी वीडियोस आना शुरू हो गई, और चंद मिनटों में, और पूरी कहानी लोगों ने बयान कर, चंद मिनटों में पूरा मुल्क में गम, गुस्सा, जज्बात, और लोग बिफर गए। और उन्होंने क्या किया कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, कि हुकूमत का काम था कि वो लोगों को रोजगार फराहम करें, उसने फराहम क्या करना, जिनके पास रोजगार है उनसे भी छीन रही। और फिर जैनुल आबिदीन बिन अली, जिसकी एक तवील 30 साल की हुकूमत थी, उसको फिर वहां से भागकर जाना पड़ा, निकलना पड़ा, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, और पूरी रियासत का जो ढांचा है वो बदल गया। और सिर्फ एक मुल्क में ये नहीं हुआ, ट्यूनस में हुआ, उसके साथ लीबिया में हुआ, उसके साथ मिस्र में हुआ, अलजजायर में थोड़ी सी इसकी तहरीक शुरू हुई, मराकेश वालों को अपनी तंजीमें नौ करनी पड़ी, बचना पड़ा, और आगे चले जाएं तो शाम में ये हो गया, यमन में आया। तो ये 5-6 मुल्क जो हैं वो बराह रास्त मुतासिर हुए इस अरब बहार, इसको फिर अरब बहार कहा जाने लगा, कि एक के बाद दूसरा मुल्क, दूसरे के बाद तीसरा मुल्क, तीसरे के बाद चौथा मुल्क इस जंग की का ईंधन बनता चला गया, फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर का हदफ बनता चला गया, और रियासतें तबाह होती चली गई, और तबाह होते होते यहाँ तक कि अभी
शाम की सूरत हाल अभी भी खराब है, यमन की सूरत हाल अभी भी खराब है, और लीबिया की सूरत हाल अभी भी खराब है। तो इन मुल्कों में फिर ये, इसको पूरी दुनिया अब ये कहती है कि ये अरब बहार नहीं, ये अरब खेजां थी जिसने अरबों के पास जो रही सही माशी कुव्वत थी, इत्तेहाद और इत्तेफाक था, उसका भी सत्यानाश कर दिया और अरबों की कुव्वत पहले से भी कम हो गई है। जी, तो ये सब यहाँ से शुरू हुआ था। त्यूनस में जो बू अजीजी नामी नौजवान था, उसके अपने आप को खुद सोजी करने से हुआ था। तो ये क्यों इस तरह होता है? क्योंकि कौम पहले नफसियाती तौर पर इतनी भरी हुई होती है, इतनी वो गुस्से में होती है, इतना गम उनके अंदर पहले से भरा हुआ होता है कि अब उन्हें सिर्फ किसी एक वाक्य की जरूरत होती है, और उसके बाद फिर सरकारी अमलाक पर हमले हो रहे होते हैं, सरकारी अहदेदारों पर हमले हो रहे होते हैं, और पूरा मुल्क जब रियासत के खिलाफ ही खड़ा हो जाए तो रियासत अपने लोगों से कैसे लड़ सकती है? तो उसके नतीजे में ये सारे मुल्कों में फिर एक तबाही की लहर आई। कुछ मुल्क तो संभल गए, त्यूनस कुछ ना कुछ संभला है, बिल्कुल तो नहीं संभल लेकिन काफी हद तक संभल गया, और अलजजायर संभल गया, मराकिश संभल गया, लीबिया अभी तक तबाह है, और मिस्र की सूरत हाल खराब है, शाम तबाह व बर्बाद हो गया। तो ये मुल्क जो थे, ये इससे पहले बहरहाल कहीं अच्छे थे, अब इनकी सूरत हाल किस कदर खराब हो गई है। जी, अगली स्लाइड पर चलते हैं। शाम, ये है जी शाम। अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाना, और अवाम के पास कोई तैयारी नहीं है और वो सड़कों पर आ गए हैं, और फिर एक जंग, तवील जंग शुरू हो जाती है। अब आप शाम को देखिए, 2010 से लेकर 2023 तक 13 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 2 महीने रह गए बस। तो देखिए कि आपके पास इतना जो बोहरान है कि आप लोगों को सड़कों पर ले आते हैं, उनके पास कुछ होता ही नहीं है, एक दो बंदूकें या एक दो पिस्टल होते हैं उनके पास, और फौज से वो लड़ना शुरू करते हैं, रियासत से अपने ही लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, तो जो भी गोली चलेगी वो रियासत के लोगों को ही मारेगी, या रियासत के जो अफवाज है वो मरेगी, या अवाम है वो मरेंगी। तो अफवाज और अवाम को आमने सामने कर दिया, आपस में जंग शुरू हो गई, और 13 साल से जारी है शाम में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कोई सड़क सलामत नहीं है, कोई पुल सलामत नहीं है, कोई शहर सलामत नहीं है, कोई किसी की जान महफूज नहीं है, किसी को माल महफूज नहीं है, इज्जत आबरू महफूज नहीं है। तो ये सब सूरत हाल शाम में मौजूद है, इस वक्त तक भी यही सूरत हाल, और शाम कई हिस्सों में बटा हुआ है। और देखें, ये 2012 के हमने वो लगाए हैं, 15 के लगाए हैं, लेकिन अब 2023 आ गया, अभी तक भी ऐसी ही सूरत हाल है। कुछ हिस्सों पर दाइश के हिमायती लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, कुछ हिस्सों के ऊपर दाइश के अलावा में जो वो हैं, तुर्की की हिमायत याफ्ता लोग हैं, वो कब्जा करके बैठे हुए, कुछ हिस्से के ऊपर शाम के लोग, शामी फौज जो है बशारुल असद की, वो कब्जा करके बैठी हुई है, तो कुछ हिस्सों पर मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदीन के फिर आपस में कई टुकड़े हैं, तो इस तरह करके ये कई हिस्सों में बटा हुआ है ये मुल्क अब, और जिसका बस चलता है वो दूसरे पे हमला करता है, उसके शहरों को तबाह करता है, उसकी जगहों को तबाह करता है, बमबारियां करता है, और मुल्क खंडर से खंडर तरीन बनता चला जा रहा है, खंडरात में भी मजीद आगे दरारें पड़ती चली जा रही। चले शाम के बाद आ लीबिया।
लीबिया मुअम्मर अल कजाफी। लोगों ने मुअम्मर अल कजाफी के खिलाफ कंपेन चलाई कि ये 40 42 साल से बैठा हुआ है, कब तक ये हुकूमत करेगा। और फिर फौज में दो टुकड़े हो गए, दो ग्रुप बन गए। उन्होंने कर्नल कजाफी के खिलाफ जंग करना शुरू की, और क्योंकि कर्नल कजाफी से ही पूरा फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, इनकी भी शिकायतें थी, तो नेटो अफवाज आ गई कर्नल कजाफी के जो मुखालिफीन थे, ये जी जो बागी थे, उनकी हिमायत करने। अब बागियों को जब हिमायत में अमेरिकी असलहा मिले, बरतानवी असलहा मिले, नेटो की अफवाज आ जाए, तो कर्नल कजाफी कहाँ उसका मुकाबला कर सके। तो कर्नल कजाफी बेचारे को शहीद कर दिया गया। वो एक नीचे टनल के अंदर था, उसको पकड़ के उन्होंने कत्ल कर दिया। उसके बाद से लीबिया की सूरत हाल आज तक नहीं संभली है। कर्नल कजाफी तो उस वक्त मारा गया 2011 में, लेकिन आज तक भी उस दिन के बाद से लीबिया दोबारा संभल नहीं सका, क्योंकि ये एक बैन अक्वामी सतह पे साबित शुदा हकीकत है कि जब रियासत खत्म हो जाती है तो हर बंदा उसको दोबारा से उठा नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का खास फजल किसी किसी पर होता है कि वो रियासत को दोबारा से उठा देता है, जिंदा कर देता है, वरना ऐसा करना हर किसी के बस में नहीं होता। क्या कोई भी आया कहे जी हम ये बदल के रखेंगे, नेक इरादों के साथ, अच्छे इरादों के बावजूद काम ना बनना ऐसा हो जाता है, आपकी तदबीर उलट हो जाए, आपकी सोच जो है उसके मुताबिक चीजें दुरुस्त ना हो सके, ऐसा होता है। आदमी सोचता है कि ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, अल्लाह बाज़ोकात उसकी सारी तदबीरें फेल हो जाती। तो कजाफी के बाद से अब जो लीबिया है वो पहले से कहीं तबाह हाल है, कई हिस्सों में बटा हुआ है। इनकी पेट्रोल के जखायर थे 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर का पेट्रोल है लीबिया में, और उसको फ्रांस ले जा रहा है, बरतानिया ले जा रहा है, ये इस्तेमारी कुव्वतें वहां से लूट लूट कर लेकर जा रही हैं। और इनके पास मादनियात का जखीरा था। कर्नल कजाफी का मुल्क लीबिया इतना मजबूत हो गया था कि अपनी करेंसी लेकर आ रहे थे, अपना बैंक बना रहे थे, अफ्रीकन सेंट्रल बैंक। सब मंसूबे धरे के धरे रह गए, क्योंकि दुश्मन ने अपने ही लोगों को लड़वा दिया। और जब कुछ लोग अपने ही मुल्क के कर्नल कजाफी के मुकाबले आ गए, मुकाबले में आए, तो उन लोगों का साथ देने के लिए अमेरिका आ गया, बरतानिया आ गया, यूरोप आ गया, नेटो अफवाज आ गई, और फिर उसके नतीजे में मुल्क में आज भी तबाही मौजूद है। अब कोई नहीं कहता, अब यूरोपीय अखबारात में इस पे बकायदा कॉलम आर्टिकल छप रहे हैं कि जो यूरोप पहले शोर मचाता था, कर्नल कजाफी ने इंसानी हुकूक पामाल किए हुए हैं और वो इंसानों पर ये जुल्म कर रहा है, अब वो कहाँ पे दफा हो गया है। अब इंसानी हुकूक ज्यादा पामाल हो रहे हैं या कजाफी के दौर में हो रहे थे? लेकिन जाहिर है अब इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है, और ताकतवर जो है वो दुनिया में अपने मर्जी के फैसले करवाते हैं। तो ये लीबिया का उरूज और जवाल, ये तो हमारी आंखों के सामने की कहानी है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये वही मैंने दिखाया है, लीबिया के अंदर जो 100 अरब डॉलर के जखायर हैं वो कहाँ पर हैं। वो आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि 100 अरब डॉलर का पेट्रोल कहाँ कहाँ पे लीबिया में मौजूद है, कहाँ कहाँ कुएं मौजूद है, कहाँ से ये पेट्रोल निकल रहा है। तो ये आपको नजर आएगा कि इनके पास खाना जंगी से पहले 100 अरब डॉलर के वसाइल मौजूद थे। अब वो 100 अरब डॉलर कौन लूट कर ले जा रहा है? बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, यूरोपी ममालिक, नेटो अफवाज, ये सब लेकर जा रहे हैं। अब उसका कोई फायदा रियासत को नहीं है, लोगों को नहीं है, आवाम को नहीं है, मुल्क
है, लेकिन वो तबाह हो चुका है, कई हिस्सों में बटा हुआ है। अंदर कई ग्रुप हैं जिन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर अपनी रियासत कायम कर रखी। तो ये सब सूरत हाल है लीबिया की। चलें अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब ये पाकिस्तान पर आ जाइए। पाकिस्तान की जाहिर है इंडिया के साथ एक मुसलसल हालत है, जंग में हैं हम। पहले दिन से इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को सख्त चैलेंज का सामना, और खुसूसन मोदी के आने के बाद तो मुसलमानों के खिलाफ जितनी नफरत फैली है, जितनी नफरत बढ़ी है, और मुल्की और बैन अक्वामी और इस पूरे जनूबी एशिया हर सतह पर इंडिया की जो मुखालफत है, दुश्मनी है, वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तो अब ऐसे हालात में फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर के खतरात भी बढ़े हैं, और उसका बराह रास्त सामना है इस पाकिस्तान के अवाम को। इसका एक सबूत ये है, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ना, ये यूरोपीय यूनियन की डिस इंफॉर्मेशन लैब है। यानी यूरोपीय यूनियन ने एक तहकीकाती इदारा बनाया है कि यूरोप को कहीं कोई मुल्क जो है वो गलत मालूमात देकर अपनी मर्जी के फैसले ना करवा ले। तो उसके लिए यूरोपीय यूनियन ने ये इदारा बनाया है जिसका नाम है ईयू डिस इन्फो लैब, यानी यूरोपीय यूनियन की डिस इंफॉर्मेशन की लैब है। इस लैब ने ये सबूत जम खुद दिए हैं, पाकिस्तान ने इनको नहीं दिए, इन्होंने खुद ये पकड़ा है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, यूरोप की राय हमवार करने के लिए, खुसूसन यूरोपीय यूनियन को मुतनफिर करने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जाली वेबसाइटों का जाल बिछाया हुआ। जाली वेबसाइटें बना 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 के उनके ऊपर इतना डेटा अपलोड कर रखा है उसने कि पाकिस्तान से के लोग या पाकिस्तान के बारे में जानने वाला जब वहां पे जाके मालूमात देखता है तो वो पाकिस्तान से मुतनफिर हो जाता है। तो जाली खबरें कि पाकिस्तान में अकलियतों पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में कौम परस्ती बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तानी दूसरी अकवाम पर ये जुल्म करते हैं, तो ऐसे हकूक इंसानी की ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सहाफियों के खिलाफ ये जराइम है रियासत के, तो ऐसे झूठे प्रोपेगंडे करने के लिए बाकायदा सैकड़ों वेबसाइटों का जाल बिछाया हुआ। दुनिया के 65 मुल्कों में डोमेन खरीद कर 200 से जायद फेक न्यूज वेबसाइटें मुतहर्रिक की हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ। आप अंदाजा लगाएं कि एक एक वेबसाइट के पीछे भी कई कई लोग होंगे जो उस पे खबरें अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, मुख्तलिफ जो प्रोपेगंडे पर मुश्तमिल मवाद है उसको बनाते हैं, झूठी बातें घड़ना, झूठी बातों को मुख्तलिफ अंदाजों में खूबसूरत बनाकर पेश करना, लोगों के अजहान को, सोच को, फिक्र को खराब करना, मुतासिर करने की कोशिश करना, ये सब यहाँ से हो रहा था। तो यूरोपीय यूनियन ने ये पकड़ी, और 750 से जायद जाली मीडिया हाउसेस, कोई अंदाजा लगा सकता है, साढ़े से। ये बीबीसी पर ये नक्शा जो हमने दिया है ना, ये बीबीसी ने नक्शा दिया था, ये वही नक्शा उठा के हमने यहाँ लगा दिया है कि जो बीबीसी को यूरोपीय यूनियन ने जारी किया। कि इस तरह से आप देखें, ऊपर श्रीवास्तवा ग्रुप है जो एक बिजनेस ग्रुप है, और उसके नीचे देखें तीन तरह के मैदानों में काम हो रहा है। एक तो यूरोपीय यूनियन क्रॉनिकल यानी इनकी जो मैगजीन है उसका, और 2020 में इस नाम से वेबसाइट भी इन्होंने बना ली। दूसरे नंबर पे थिंक टैंक बनाए हुए हैं जाली पाकिस्तान के खिलाफ, और
तीसरे नंबर पर जाली एनजीओज बना रखी है। ये जाली एनजीओज जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा करती हैं, इनका मकसद ये है कि अक्वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का जो इमेज है उसको खराब करें और अक्वाम मुत्तहिदा के में साबित करें कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है और अक्वाम मुत्तहिदा के उसूलों को, कवानीन को नहीं मानती। थिंक टैंक और जो क्रॉनिकल्स यानी न्यूज़ और खबरों का जो नेटवर्क है, थिंक टैंक का और खबरों का नेटवर्क, इन दोनों का हदफ ये है कि जो यूरोपीय मेंबराने पार्लियामेंट है उनको जा जाकर ये बताएं, उनको रिपोर्ट दें, जाली खबरें पहुंचाएं उन तक कि पाकिस्तानी हुकूक इंसानी को नहीं मान रहे, पाकिस्तानी वो बुनियादी हुकूक नहीं दे रहे और पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक है वो पामाल हो रहे हैं, सहाफियों के हुकूक पामाल हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ों को वो प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी न्यूज़ एजेंसियों के ज़रिए से, मेंबरान पार्लियामेंट तक बात पहुंचाकर। और फिर आप देखेंगे कि इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ले लेता है। जाली खबरें यूरोप में, हम दुनिया के 65 मुल्कों में चलाई जाती हैं और फिर उन जाली खबरों को इंडियन मीडिया लेकर करता है कि देखो भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान दहशतगर्दी की आमाजगा है, पाकिस्तान ने ऐसा किया है, फलाम जगह के ऊपर ये किया है। तो ये मुख्तलिफ जाली चीजें बना 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 के वो इन पर डाली जाती हैं। तो ये पूरा नेटवर्क किस तरह काम करता है कि पीछे एक ग्रुप है, उसके आगे तीन प्लेटफॉर्म है, एनजीओ जाली बनाई गई हैं, थिंक टैंक जाली बनाया गया है, वे और जाली मैगजीन एक बनाया गया। यानी जाली का मतलब ये है कि इनको हुकूमत की तरफ से कोई भी अभी तक वो नहीं मिली इजाजत। तो ये जाली मीडिया हाउसेस बना के, जाली वेबसाइटें बना के मुस्लिम पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा करते हैं और यूरोपीय यूनियन और अक्वाम मुत्तहिदा में लॉबिंग करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा है, पाकिस्तान तबाह होने वाला है, पाकिस्तान में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान नाकाम रियासत है वगैरह वगैरह, इस तरह की प्रोपेगंडे करना। ये इंडियन उसका बड़ा भरपूर हथियार है। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि इसके ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहा होगा इंडिया, और ऐसा ये तो चलो पकड़ा गया ना, ऐसे कितने ग्रुप हम इंडिया ने बना रखे होंगे और इसके पकड़े जाने के बाद जो इंडिया ने इसके मुतबादिल जो तलाश किए होंगे, अल्लाह जाने वो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कितनी जाली वेबसाइटें हैं जो इसके ऊपर चल रही हैं। चले अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए जी, श्रीवास्तव ग्रुप 10 बड़ी एनजीओज बनाई थी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडे के लिए, अक्वाम मुत्तहिदा में ये बात साबित करने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो अक्वाम मुत्तहिदा की बातें नहीं मान रहा। तो आप जरा अंदाजा लगाएं कि हमारे यहाँ तो शायद कोई अहमियत ना हो अक्वाम मुत्तहिदा की, लेकिन जो मुल्क की सतह के ऊपर और हमारी रियासती सतह के ऊपर कितना बड़ा चैलेंज है जिसका सामना हमें ये श्रीवास्तवा ग्रुप या इस तरह के एनजीओ से हो रहा है। तो ये देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल क्लब फॉर पीस रिसर्च, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज, पान अफ्रीकन यूनियन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स काउंसिल। तो आप जरा देखिए ये सब के सब क्या की हैं इसने, एनजीओज बनाई है और ताकि पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काए जा सके, अक्वाम मुत्तहिदा में साबित किया जाए रियासत खत्म हो गई है, यूरोपीय यूनियन को बताया जाए कि अब इनसे खैर की तवक्को नहीं रखी जा सकती।
यूरोपीय यूनियन को बहरहाल शाबाश देनी चाहिए कि उसने बहुत तहकीक की है और न सिर्फ इंडियन ग्रुप का सुराग लगाया बल्कि दुनिया भर में ये खबर नशर भी की है। अच्छा, बदकिस्मती की बात यह है कि इंडियन तो ये कर ही रहे हैं ना, जो इनके साथ कादियानी मिले हुए हैं वो बड़ा भरपूर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये जो कादियानी हैं, इन्होंने भी बाकायदा टारगेट किया हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन चलाने को, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातों को हवा देने को। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, अमलन हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा उरूज पे है, रियासत के खिलाफ ऐसी झूठी वो सच्ची दास्तानें घड़ी जा रही, और कादियानी और इंडियन दोनों मिलकर यूरोप में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे। और जैसे मैंने बताया कि इसके तीन रास्ते हैं, पहला ऑनलाइन वाला है, दूसरा ऑन साइट वाला है। तो ये मुख्तलिफ हरबों से, मुख्तलिफ अंदाजों से ये जंग है जो मुसलमानों और पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ी जा रही है, और इसको इंडियंस और कादियानी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें वाकयतन सच्चाई है कि इसी तरह से जाली चीजें बना के प्रोपेगेंडा किया जाता है और पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर जो है उसको खराब किया जाता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर हम आ गए हैं। देखिए, फिफ्थ जनरेशन का ये भी अंदाज है, मीडिया, सियासतदानों, मजहबी रहनुमाओं, जजों, वजरा को लालच देकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, मीडिया पर कितनी सरमायाकारी, ये पूरा चैप्टर है। अमन की आशा कहाँ से आई? अमन की आशा पे सरमायाकारी किसने की? हुदूद और ताजीरात पे बहस शुरू हो गई पाकिस्तान में, इस मौजू को उठाने वाला कौन था? कौन से मुल्क ने कितने पैसे देकर ये सारी की सारी जो कंपेन है वो चलवाई है? ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं जी। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़े खौफनाक वो भी हैं। पाकिस्तान में मीडिया पर, मीडिया का उसूल होता है कि अगर आप कोई पेड कंटेंट लगा रहे हैं तो उस पर लिखेंगे स्पॉन्सर्ड, यानी ये इसके हमने पैसे लिए हुए। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कानून की अमलदारी है नहीं, और जो खसूसन जो बड़े टीवी चैनल हैं वो तो खुद इतने मजबूत हैं कि रियासत उनसे डरती है, तो उस वजह से ये सूरत हाल बन गई है कि जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा उरूज पर है, और कादियानी और इंडियंस मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। अब ये मुख्तलिफ अंदाज में प्रोपेगेंडा किया जाता है। पहला अंदाज है हॉक्स, चकमा देना, यानी जो झूठ है उसको सच बनाकर पेश करना। चाहिए तो पहला है चकमा देना, लोग चकमे में आ जाते हैं, लोगों को धोखा देकर झूठी खबरें चलाकर। हम मसलन किसी भी रियासत के लोगों को छोटी सी खबर पर मुतहर्रिक कर देना कि देखो पार्लियामेंट में यह हुआ और इतनी करप्शन हो रही है, जाली पोस्टें बनाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन जाली पोस्टों को फिर चला दिया जाता है कि ये सबसे साबितशुदा हकीकत है। ये कहा जाता है जी, हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इतने 100 एकड़ जगह कादियानियों को दे दी है, और आओ उसके खिलाफ एहतजाज करें। तो जब ये सब हो जाता है, उसके बाद जब हकायक सामने आते हैं
पता चलता है कि हकाइक कुछ और हैं और ये कुछ और हो रहा है। प्रोपेगेंडा करना यानी तस्वीर का एक रुख दिखाकर कौम की सोच पर असरअंदाज हो जाना, अपनी मर्जी का पहलू दिखा देना, किसी भी खबर का झूठ, इसलिए कहते हैं कि झूठ ये नहीं है कि आप किसी सच को झूठ बोल दें, बाज औकात आधी खबर देना भी झूठ होता है, यानी पूरी खबर ना दें, आप उसमें से फिल्टर करके अपनी मर्जी की कोई चीज उस बता दें, बाकी खबर ना बताएं। तो प्रोपेगेंडे के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आस्ट्रो टर्फिंग का एक मतलब यह कि दुश्मन अपनी सोच को आवाम में मौजूद गुमाश्तों के जरिए उभारे और ये जाहिर हो के जी ये आवाम मुतालबा कर रहे हैं। वो जज्बाती लोग इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और दूसरों के जरिए से इस तरह से जज्बाती जो बातें हैं, बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, वो सारी की सारी कौम तक पहुंचाई जाती हैं और ताकि लोगों का जो अपनी रियासत पर एतमाद है वो मुतजलजल हो जाए, लोग रियासत से मुतनफिर हो जाएं और साजिशी थ्योरियां, अंदर की बातें, इनकिशाफात। इस वक्त यूट्यूब और सोशल मीडिया तो सारा इसी से ही भरा हुआ है ना कि हर बंदा आके बैठ जाता है कि जी मैंने पास ऐसी अंदर की खबर है, अब यह होगा और वो होगा और फलाना होगा और ढिमकाना होगा। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ क्या है हो रही है। ठीक है जी, अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। साइकोलॉजिकल वारफेयर, नफसियाती तौर पे जंग लड़ना, नफसियाती तौर पे लोगों को तबाह कर, मुल्क की क्यादत, फौज, हुकूमत, उलमा, इन तीन चार बड़े तबकात के खिलाफ प्रोपेगंडा करना। तो ये तरीका अपनाया जाता है साइकोलॉजिकल वारफेयर का। चलें अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखें अब ऐसी थंबनेल बनाए जाते हैं, फलां के बारे में उलमा क्या कहते हैं, ताकि उलमा को तो आपस में लड़वा कर पेश किया जाए। चलें अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये प्रोपेगेंडा ऐसा है पाकिस्तान के एटमी हथियारों का जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है। इसमें यूरोपियन भी हैं, इंडियन भी हैं, कादियानी भी हैं, इन सब का बस नहीं चलता कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको किसी ना किसी तरह ये लोग हथिया लें, कब्जा कर रहे हैं या कोई भी ऐसी सूरत अपना लें और ताकि पाकिस्तान एक दिफाई कुव्वत ना रहे। यूट्यूब पे आप चले जाएं, पाकिस्तान के दिफाई असले पे, न्यूक्लियर वेपन पे इतनी जहरीली रिपोर्टें भरी पड़ी हैं। तो पूरी दुनिया इस पे प्रोपेगेंडा करती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी रियासत नहीं संभाल सकता, पाकिस्तान के पास तो हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं है, ये कहाँ से अपने इसको संभालेगा, एटमी असले को, कहीं एटम बम और एटमी वारहेड वगैरह दहशतगर्दों के हाथ ना लग जाएं और दहशतगर्द यहाँ पहुंच गए और इस्लामाबाद के पास पहुंच गए हैं, अब दहशतगर्द इस पर हमला कर देंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे, ये सब चीजें दुनिया प्रोपेगेंडा करती है। तो ताकि जो है वो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत उसको खत्म किया जा सके। कभी कोई शोशा छोड़ दिया जाता है, कभी कोई शोशा छोड़ते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। चले अगले उस पर चलते हैं। फॉल्स फ्लैग्स यानी झूठे इल्जाम आयद कर देना। अफगानिस्तान में हमला हुआ, पाकिस्तान ने करवाया,
पाकिस्तान में हुआ है तो अफगानिस्तान पर इल्जाम लगा दे। तो ऐसे दरमियान में दुश्मन अपने वो मकासद पूरे कर लेता है, इंडियंस अपने मकासद पूरे कर रहे हैं, MI6 MI5 बरतानवी जो इंटेलिजेंस इदारे वो अपनी पूरी कर रहे हैं। तो कई कई मुल्कों के मफादात उससे वाबस्ता हैं और हर मुल्क अपने मफादात पूरे कर रहा है और रियासत के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, दो मुल्कों को लड़ाने की साजिश, खुसूसन अभी जब जो 1 नवंबर से जो सूरत हाल बनी है कि जी अफगान मुहाजरीन पना गुजीनों को यहाँ से निकालो, तो अब उसको असबियत के नारे लगाए जा रहे हैं कि अफगानों तुम्हारे साथ ये जुल्म क्यों होगा और हम लड़ेंगे और हम इंतकाम लेंगे। ये इस तरह की बातें करना और उनकी हौसला अफजाई करना, ये फिर मुल्कों की तबाही का सबब बन जाते। चलें अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर के मुख्तलिफ अंदाज हैं। बेहयाई बेदीनी का फरोग है, दीनी क़यादत को बदनाम करना है, मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात को हवा देना है, इस्लामी जो दीनदारों के उयूब को उछालना है। कोई एक वाक्या कहीं पे मिल जाता है, प्रोपेगंडा कर कर करके उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देना है ताकि लोग दीन से मुतनफिर हो जाएं, दीनी जमातों से मुतनफिर हों, दीनी अफराद से मुतनफिर हो जाएं। फिर नजरिया पाकिस्तान, नजरिया इस्लाम, दो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान वजूद में आया है, उसको उसके खिलाफ प्रोपेगंडा करना ताकि जो बुनियादी नजरियाती जो वजूद है पाकिस्तान का वही उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाए। तो ये सब कुछ हो रहा है, मुसलसल होता चला जा रहा है। दीनी हलकों की कोई छोटी सी बात मिल जाए उसको मीडिया पे इतना हाइप क्रिएट किया जाता है और इसके बड़ी बड़ी मिसालें हैं, लेकिन वक्त कम है। मीडिया पे मजहबी तबके की कोई छोटी सी बात मिल जाए उसको हवा दी जाती है ताकि लोग दीन से मुतनफिर हों, मजहबी लोगों से मुतनफिर हों, मजहब की तरफ लोग माइल ना हों। चलें जी आगे अगली स्लाइड पे। मईशत को मफलूज करने के लिए एफर्ट किया है, शुक्र है पाकिस्तान इसके चुंगल से निकल गया, लेकिन क्या प्रोपेगंडा था। टेरर फाइनेंसिंग हो रही है भाई, दहशतगर्दों को पैसे जा रहे हैं, मदरसों को मिलने वाले पैसों का ऑडिट नहीं होता, मदरसों वाले पूरी दुनिया से चंदा करके लाते हैं और इनका कोई ऑडिट नहीं है, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं। तो टेरर फाइनेंसिंग का हवा खड़ा किया गया और उसमें पूरी कौम को मफलूज करके रख दिया गया, FATF के शिकंजे में कसा गया था। चले अगली स्लाइड पे चलते हैं। फेक न्यूज, ये हम आगे जाके देखेंगे, फेक न्यूज फैलाई जाती है प्रोपेगंडे के लिए, जाली खबरें फैलाई जाती हैं, मिसलीडिंग पर मुश्तमिल जो खबरें हैं वो फैलाई जाती हैं और डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, झूठी खबरें बना बना के पाकिस्तान के खिलाफ फैला दी जाती हैं। तो इस तरह से ये जाली खबरें वो फैलती चली जा रही है। तो फेक न्यूज़ जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जाती हैं। चलें आगे चलते हैं। ये फेक न्यूज़ है, देखें जाली पेजेस बनाए गए। आर्मी चीफ जैसे ये जब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब बने पहले दिन ही इनके जाली नाम से ट्विटर के ऊपर अकाउंट इतने बन गए और उनकी
लाखों लोग उसको फॉलोअर मिल गए पहले दिन ही। फेक जो है वो चल पड़ते हैं, पेजेस शख्सियात के, लोगों के, रियासती ओहदों के नाम से, और उन पर फिर झूठी सच्ची बातें लोग, क्योंकि इतना वक्त किसके पास है कि वो जा जाके एक एक खबर की तहकीक करे, कोई भी नहीं करता। आजकल तो इतनी खबरें हैं कि पढ़ने का वक्त नहीं, उनकी तहकीक का वक्त कहाँ से आएगा। तो इसलिए फेक न्यूज का कारोबार उरूज पे। चलें अगली स्लाइड पे चलते। देखिए ये सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस साहब के नाम पे जाली पोस्ट की गई कि पाकिस्तान का कश्मीर पे मौकफ कबूल नहीं है। तो हालांकि ऐसी कोई बात उन्होंने की नहीं, लेकिन इंडियंस ने ये खबर बना के पूरी दुनिया में इसको फैलाया और वो किया, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा किया। चले आगे। ये भी फेक न्यूज़। पिशावर में LRH में मुतासरा बच्चों की तादाद 700 हो गई। अस्पताल इंतजामिया हर 4, 10, 15, 20 दिन के बाद आ जाता है। कराची के फलाने इलाके में पोलियो वैक्सीन पीने से इतने बच्चे बेहोश हो गए। ना वो इलाका होता है, ना वहाँ बच्चे होते हैं, ना वहाँ पोलियो वैक्सीन होती। तो पोलियो के कतरों के खिलाफ हम लोग इबादत समझ के प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी पोलियो के कतरे पीने से 700 बच्चे अस्पताल में पहुंच गए, इतनी अस्पताल इंतजामिया वो हो गई और अस्पताल भर गए और 700 बच्चे जो हैं वो मुतासर हो गए। चलें अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें जाली तस्वीरें लगाकर खबरें बना दी गई। अब जाली क्या है? भारतीय पोस्टर लगाने में नून लीग की मुलव्वस पाया गया। और असल खबर क्या थी? एंटी करप्शन ने छापा मारा, रिश्वत लेता हुआ क्लर्क जो है वो पकड़ा गया। तो इस तरह से जाली खबरें बनाना। चले ये जाली ट्वीट बनाना तो हमारे यहाँ इतना आम है। फलाने ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया इससे ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और चलो भाई। तो ऐसी जाली खबरें, और उनको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं यार मेरा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है, मैंने तो कोई खबर नहीं दी। लेकिन जाली ट्वीट बनाना, जाली खबरें बना बना के लोगों की तरफ से फैलाना, लोग इसको इबादत समझ के करते। अमेरिका में 2020 के सदारती इंतखाबात में लाखों लोगों को रोबोटिक कॉल्स मिली हैं, खुदकार कॉलें आई कि बाहर हालात खराब हैं, वोटिंग के लिए ना निकलना ताकि लोग इंतखाबात में वोट डालने ना जाए। ये अमेरिका में अगर हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? तो यानी अमेरिका तक इसका शिकार हुआ हुआ है तो पाकिस्तान तो खुद ब खुद होगा ही होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए जी, ये पिछले 2 साल पहले हुआ था। स्टेट बैंक ने यह कर दिया है कि एटीएम से नकद रकम निकलवाने की हद 1,000 रुपए कर दी। अब 23 जनवरी से 31 जनवरी तक आप एटीएम से 1,000 रुपए निकाल। बस जी, अब ये एक मसला बन गया। पूरे पाकिस्तान में खबरें चली और फिर स्टेट बैंक को खबरें चलवानी पड़ी। भाई हमने कोई कुछ नहीं बोला, ये कहीं कहा किसने बोल दिया आप लोगों का झूठी खबरें? तो ऐसी खबरें जल्द, अभी पिछले दिनों खबर चल गई, स्टेट बैंक में ने कह दिया कि भाई बैंकों में रखे हुए हमारे 5 लाख रुपए तक महफूज है, उससे ऊपर कोई महफूज नहीं है, निकाल लो, खा जाएंगे। और भाई ये सब झूठ बात है, मतलब ऐसा कहाँ होता है? लेकिन लोग तहकीक करने के बजाय, उस बात को समझने के बजाय झूठी खबर पर आ जाते हैं। फौजी एहलकार बनकर फोन कॉल है, मैं मेजर बोल रहा हूँ, आपका ये मसला है, मैं फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका पिन कोड ये, खवातीन को सबसे ज्यादा इसी पे उलझाया जाता है।
कि जी आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है और फलां उसका आखिरी हिस्सा ये है और उसका इस नाम पर है। डेटा तो जाहिर है वो लोग निकाल लेते हैं, इब्तदाई डेटा तो उनको मिल जाता है, पिन कोड्स का मसला होता है वो ले लेते हैं, फिर इस तरीके से जाली करके फेक अकाउंट्स के जरिए फेक कॉलिंग करके। तो इस तरह बहुत सारी ये आप देख सकते हैं कि जाली पोस्टें बनाई जाती हैं, जाली खबरें चलाई जाती हैं, जाली अकाउंट मैनेज किए जाते हैं और इनके जरिए से झूठे प्रोपेगंडे किए जाते हैं। चले आगे। ये वही रिपोर्ट दी गई है, 65 से जायद मुल्क, 260 से जायद फेक न्यूज़। चलें आगे। असल चीज ये है कि इन ये सब तो हो रहा है, इससे बचना है, इसका शिकार ना हो, किसी भी खबर कोई तहकीक करे, ऑनलाइन झूठी कॉलें करने वालों को कहे कि दफा हो जाओ यहाँ से, उनको कोई रिप्लाई ना करे, कम से कम कॉल कोड दे। ऐसे निकम्मे मेजर या ऐसी निकम्मी फौज नहीं है कि वो कॉलें कर करके धमकियां देगी, उनको अगर किसी का मसला होगा तो वो खुद पहुंच जाएंगे वहां पे। तो ऐसी बैंकों के अकाउंट्स का भी इशू है, ऐसे ही मुल्कों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का, तो तहकीक बड़ी जरूरी है। और कुरान मजीद ने जो हुक्म दिया था कि जब कोई खबर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसको आजकल के दौर में बहुत ज्यादा अपनाने की जरूरत है। इस वजह से कि हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे, जहां खबरें ज्यादा हो गई हैं और पढ़ने वाले कम हो गए हैं, इतनी खबरें हैं कि आप पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए उन खबरों जो हमारे पास आ रही है उनमें कितनी झूठी है कितनी सच्ची है इसका जांचना बड़ा जरूरी है। हर खबर पर आंखें बंद करके हम यकीन नहीं रख सकते हैं, इसलिए और हर वो खबर जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगंडा करे, फौजी इदारों के खिलाफ लोगों की जहन साजी करे, मुल्क के जो तीन बड़े सुतून हैं, हुकूमत है, फौज है और अदलिया है, इनके खिलाफ प्रोपेगंडा करे, फलाने ने इतने जजीरे खरीद लिए और इतने अरब खरीद लिए और इतनी करप्शन कर ली, जब तक इनकी तहकीक ना आ जाए, कोई मुस्तनद जरिए से साबित ना हो जाए, उस वक्त तक इन पर यकीन नहीं करना है, यही एक रास्ता है। वरना अमेरिका पे हमले हो रहे हैं, हम पे क्यों नहीं होंगे, पूरी दुनिया इसका शिकार है। आगे हम अगली जो स्लाइड शुरू करेंगे उसमें ये सब कुछ आ रहा है इंशाल्लाह, और आखिरी सबक भी इंशाल्लाह हमारा वही होगा। सही है जी, तो ये खत्म हो गई, अगली वो चले सवालात देख लेते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा रहे। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, ये ब्रेन वॉशिंग मुसलमानों की जाती है या बाकी कौमों की भी की जाती है? जी देखिए, ब्रेन वॉशिंग मैंने कहा हर जगह पे हो रही है, लेकिन मसला इस पर आता है कौम या लोग पढ़े लिखे कितने हैं। पाकिस्तान में जहाँ शरा खानदगी इंतहाई कम है, कम से कम 40% लोग तो रजिस्टर्ड ना खानदा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यहाँ पे ये मसाइल पहले से ज्यादा हैं, दूसरे मुल्कों की बनिस्बत ज्यादा हैं। इस वजह से इसका बहुत जो है वो हसासियत बढ़ जाती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे सूरत हाल ऐसी है और जहाँ पर खानदगी की शरह ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मुश्किलात भी अब दूसरे मुल्कों की बनिस्बत ज्यादा है। अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ 90-95% पे शरह खानदगी 100% पे खड़ी हुई है, वो वहाँ पे ये मसाइल हो जाते हैं, तो हमारी कौम में क्यों नहीं होंगे। इसीलिए हर झूठी खबर के ऊपर यकीन कर लेना, झूठी चीजों को चला देना, चली चलाई बातों पर यकीन कर लेना, इससे बचने की जरूरत है। ये हमारे इलाके में ये सबसे अहम मसला है पाकिस्तान के तनाजुर में।
क्या फेसबुक और ट्विटर का बायकॉट इसराइल बायकॉट का हिस्सा बन सकता है? देखिए, फेसबुक ट्विटर के बायकॉट से कुछ होगा नहीं। असल ये है कि या तो फेसबुक और ट्विटर का मुतबादल कोई लेकर आए आप, और उसके ऊपर अकाउंट होल्डर्स हों, उसके ऊपर लोग एक्टिव हो जाएं, तो ये सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन जब तक ये नहीं है तो आप इन्हीं को इस्तेमाल करने पे मजबूर होंगे, अपने बिजनेसेस के लिए मजबूर होंगे, मार्केटिंग के लिए मजबूर होंगे, और इनको इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े बिजनेसेस कर सकते हैं। तो इनका मुस्बत इस्तेमाल करें आप, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करें, जदीद तरीन जराए इबलाग के तौर पर करें, तो ये इसके जरिए से, और अपनी मईशत मजबूत करें। इसराइल या दुनिया के कोई भी मुल्क जो है वो अपनी मईशत के बलबूते पर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है ना, तो हम अपनी मईशत मजबूत कर लें, इससे हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और वो हम कर सकते हैं फेसबुक ट्विटर के जरिए से। तो फेसबुक या ट्विटर का बायकॉट, ये कोई फायदा इसका इसलिए नहीं है कि कितने लोग करेंगे, चंद लाख कर लेंगे पाकिस्तान में, इससे ज्यादा लोग तो नहीं करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। फेसबुक ने तो सैकड़ों अकाउंट्स, बल्कि हजारों अकाउंट्स फलस्तीन और हमास की हिमायत की वजह से बंद किए पड़ेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी इस्लामी बैंक बनाने की वजह से मारा गया जी। इस्लामी बैंक, OIC और इसी तरह मुआहिदा बगदाद, जैसे कई वजूहात होते हैं जिसकी वजह से आपके पास मसाइल होते हैं, लेकिन अब ये कहना कि उसको मारा गया, ये एक वो बात है। इसके बजाय उसके बैरूनी अवामिल भी होते हैं, अंदरूनी अवामिल भी होते हैं, बहुत से मसाइल इसमें ऐसे मौजूद होते हैं। तो किसी एक वाक्य की तरफ हतमी तौर पर निस्बत नहीं की जा सकती। बाज लोग कहते हैं कि जी मसला कादियानियत की वजह से हुआ है, वो भुट्टो ने कहा था कि मैं आज, जब उसने 1974 में कादियानियत को आखिर करार दिया, तो उसने कहा था कि जी आज मैंने अपनी मौत के परवाने पर दस्तक किए हैं। तो बहरहाल इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन लोग ताकतवर हों, रियासत ताकतवर हो, तो उसको कुछ नहीं होता। अगर लोग कमजोर हों, रियासत कमजोर हो, तो वहां पे फिर ऐसे वाकयात हो जाते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फेसबुक यहूदियों का, ट्विटर एलन मस्क का है, जो यहूदी भी नहीं। अगर हम इन पैरों का इस्तेमाल ना करेंगे, दुनिया के सामने इसराइल का मौकिफ ही रहेगा, दुनिया इन्हें ही मजलूम समझेगी, जैसे कि अलेक्सा समझते हैं। अगर हमने इनका बायकॉट किया तो हमारी चीखें बंद हो जाएंगी। सही बात कही है कि इनका इस्तेमाल करें आप, सही है। ट्विटर, ट्विटर ने तो अपनी पॉलिसी अभी ओपन रखी, और ट्विटर ने अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। फेसबुक और लिंक्डइन ने सबसे ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं, यानी उन्होंने, फेसबुक और जो लिंक्डइन है, इन दो ने बड़ा भरपूर साथ दिया है, और इन्होंने भरपूर पाबंदियां लगाई हैं। अब उसकी क्या वजह है कि इनके मफादात यूरोपीय यूनियन के साथ हैं, शायद ये भी हो सकता है, या कुछ और भी, लेकिन बहरहाल फेसबुक और लिंक्डइन, इन दो ने बहुत सख्त वो किया है, और इसराइल के खिलाफ हर किस्म की पोस्टें इसने खत्म की। हिंदुस्तान पर फिक्री और नजरियाती जंग मुसलत करना कैसे मुमकिन है? यही सबसे अच्छा पहलू है कि अगर कोई दूसरा आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उसको डिस्टेबलाइजेशन पे ले आए, तो डिस्टेबल कर दें आप उसको, तो और ऐसा होता है जब कौमें मुत्तहिद हों, मुनज़्ज़म हों, उनके पास वसाइल मौजूद हों। तो अगर हमारी कौम मुत्तहिद हो, मुनज़्ज़म हो, वसाइल मौजूद हों, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि दुनिया के दूसरे मुल्क हमसे डरते फिरे। अभी भी डरते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, लेकिन फिर ज्यादा डरेंगे इससे। हकीकत टीवी कैसा है, सच्चा है या झूठा? मुझे तो झूठा लगता है, बाकी अल्लाह ही जाने। अब ये तो हकायक देखने होंगे कि क्या है। FATF के चुंगल से पाकिस्तान कैसे निकला? पाकिस्तान ने फिर उसके लिए इकदाम किया, FATF की शराइत थी, उनको, उनके ऊपर पूरा सिस्टम बनाया, पाकिस्तान में मैकेनिज्म बना, जो भी पैसा दुनिया भर से आ रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, उनकी पूरी रिपोर्ट्स बनाना, ये सारी चीजें हुई हैं।
तो FATF के चंगुल से निकलने के लिए पूरी कौम ने मिलकर जिद्दोजहद की है, और कानून साजियां हुई हैं, अकाउंट्स को बेहतर किया गया है, बैंकिंग सिस्टम बेहतर हुआ है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन पे आ गया है, जो डोनेशंस वगैरह हैं, चैरिटी है या इस तरह बाहर से आने वाली जो दौल पैसा है या रुकूम है, उनको चैनलाइज किया गया है ताकि वो बैंकिंग सेक्टर के जरिए से आए और लोग जो है वो गैर कानूनी जराए से पैसा ना भेज सके। अच्छा जी, ये सवाल किया कि इन वेबसाइटों को लोकेट करके डिसेबल किया जा सकता है, मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा, मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। जब रियासत की सतह पे होगा तो किया तो जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में तो पूरी साजिश को पकड़ना पड़ेगा आपको। अब अगर इंडिया बना रहा है तो जाहिर है उसने अपनी साइबर सिक्योरिटी ऐसी मजबूत की होगी कि उनको आप उस साइबर सिक्योरिटी को तोड़ ना सके। जब सच झूठ इतना खलत मलत है तो सच्ची न्यूज को कैसे छानना जाए। देखिए, सच सच झूठ तो ऐसे ही खलत मलत होगा। सच्ची न्यूज के लिए आप उसको काउंटर चेक करें, एक जगह पे दी गई खबर पे यकीन न करें, दो तीन जगहों पे। अब मसलन, अब कल की मैं आपको खबर बताता हूँ ना, कल खबर आई हमारे पास कि जी सऊदी अरब ने इसराइल की हिमायत कर दी है और अमेरिका से मुजाकरात किए हैं कि इसराइल की हिमायत जारी रखे, और इसराइली सफारतखाना भी खोल दिया है और असलहा भी दिया इसराइल को कि वो फलस्तीनियों के खिलाफ जंग लड़े। और एक जो लिंक है वो खबर का चल रहा था साथ। अच्छा, मैंने कहा कि ये कैसे हो गया, मैंने जाकर वो लिंक पढ़ा तो अब उसमें कुछ और कहानी लिखी हुई थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि अमरीकी मुशीर है वो मिला है सऊदी वजीर दिफा को, और सऊदी वजीर दिफा को मिलकर उसने दो बातें कही हैं। पहली बात उसने ये कही है कि हमास के जो हमले हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और दूसरी उसने बात ये की है कि जो फलस्तीन के लोग हैं, फलस्तीन के अंदर जिन लोगों को सेहत के मसाइल हैं, हस्पतालों तक रसाई है, खुराक और पानी नहीं है, तो हम फलस्तीनियों तक ये जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं ये पहुंचाएंगे। अब ये खबर कुछ और है, और जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है वो बिल्कुल झूठा है ये चल रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ इसको इबादत समझ कर करते हैं सऊदी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगंडा करना हो, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगंडा करना हो, तो मजहबी लोग ही इस प्रोपेगंडे को फैला रहे हो। तो ये हमारा अलमिया है, तो इसलिए जरूरी है कि आप खबर, जब आपके पास कोई लिंक भेज रहा है कि यार इस लिंक में ये लिखा है, तो जाकर देख लो कि यार ये लिंक में लिखा हुआ भी है कि नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास कुछ दिन पहले कॉल आई थी, बिल्कुल यही जो फेक कॉलिंग वाले हैं ये आते रहते हैं निकम्मे, और बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी आपके मोबाइल पे फलाना कोड आया होगा, वो कोड मुझे भेज दें, कॉपी करके पेस्ट कर दें, और ये मैं हालांकि उसके ज़रिए से वो पूरा डेटा जो है वो आपका उस बंदे तक पहुँच जाता है। अमेज़ॉन पर काम करने के बारे में तारिक मसूद साहब का फतवा है कि जायज़ नहीं, बिनौरी का उनका फतवा है कि जायज है, मेरा ख्याल आपने उलट लिख दी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उसके बारे में बताया होगा कि अमेजोन पे काम करने के जायज तरीके भी हैं, क्योंकि उसमें कब्जे का मसला आता है, तो कब्जा अगर हो जाए या कब्जा ना करे, कब्जा अगर नहीं हो रहा तो आप वादा बै करते हैं, बै मुकम्मल ना करें, वादा बै करें, कंसेंट ले लें, तो उस सूरत में हो सकता है। तो बिनल टाउन ने मुतलकन नाजायज होने का फतवा दिया हो सकता है, लेकिन उसको बरह रास्त देख लें या आप किसी मुफ्ती साहब से मालूम कर लें। आजकल एक कॉल आती है कि आपके फोन नंबर पर 12,000 निकले हैं, आप वो नंबर बताएं जिस पर व्हाट्सएप नहीं, हम आपके पैसे ट्रांसफर कर देंगे, उन लोगों को कोई रोकने वाला नहीं, कोई ना समझ नंबर देंगे, कितना नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जी,
होगा नहीं, हो रहा है। पाकिस्तान में कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो इस ट्रैप में आ जाते हैं और ये फ्रॉडी लोग उनके पैसे लूट कर ले जाते हैं। जी ये खबर आई है कि सऊदीया ने एक बेस अमेरिका को दे दी, खबर फेक है जी? खबर फेक है, झूठी है। कोई जो कहे कि ये खबर है तो उसे को दिखाओ कहाँ पर आई है ये खबर भाई। तुम्हारे ऐसा तो नहीं है कि पेट के अंदर अंदर से ही या लोगों के दिलों दिलों से ही खबरें आ गई हो भाई? अल्लाह के बंदे, तुम अमेरिका और सऊदीया के दरमियान बैठे हुए थे उस वक्त जब उन्होंने एयरबेस दी है ताकि वो फिलिस्तीनियों पे हमला करे भाई? उसकी कोई खबर आएगी, कोई सबूत होगा, कोई दुनिया का मीडिया रिपोर्ट करेगा, आप उसका कोई एविडेंस दें। जब तक कोई एविडेंस नहीं है तो ये झूठ है। यही चीज फिफ्थ जनरेशन ऑफ वार का हिस्सा बनती है। इसी तरह से क्या होता है कि अब लोगों के दिल में सऊदीया की नफरत बैठेगी बैठेगी और फिर लोगों को इस पर उकसाया जाएगा, देखो वहां पे ऐसी हुकूमत है और वैसी हुकूमत है, तो रियासतें इस तरह डिस्टेबलाइज हो जाती हैं। तो अल्लाह ने जो हरमैन शरीफ है इनको अमनो अमान का मरकज बनाया, पूरी दुनिया के लोग वहां आते जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कोई खामी है तो उसकी इसलाह करनी चाहिए, खैरखाही से करनी चाहिए, दोस्ती से करनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि झूठी खबरें बना बना के चलाए जाए? खानदगी के लिए कम से कम तालीम कितनी है? देखें वैसे तो पाकिस्तान में तो शरा खानदगी का मतलब होता है बंदा अपना नाम लिख सके, तो अंगूठे छाप को कहते हैं कि ये ना खानदा है। तो दुनिया में और मेयारात है, पाकिस्तान में इसको कहा जाता है, लेकिन असल चीज ये है कि कौम को पढ़ने पर लेकर आए। हमने फलस्तीन वाले प्रेजेंटेशन में देखा था कि जो कौम में पढ़ने लिखने पर आती हैं, आला तालीम हासिल करती हैं, अल्लाह उनको गलबा देता है। तो हम में से जो शख्स पढ़ सकता है, खुद पढ़े, अपनी नस्लों को पढ़ाए, इसका माहौल बनाए, ये बहुत जरूरी है। और स्किल्स सीखे, महारतें सीखे, डिजिटल स्किल्स सीखे, जदीद महारतें सीखे, और पाकिस्तान को माशी तौर पर, इल्मी तौर पर दोनों तरह से मजबूत करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा अच्छा है, हमारी फौज अच्छी है, हमें हम पे कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन हमें तालीम की कमी का सामना है जिसकी वजह से फिफ्थ जनरेशन का नुकसान हमें हो सकता है। अच्छा जी आगे चलते हैं। तुर्की नेटो शराइत की पासदारी करता है, अमेरिका क्यों नहीं करता? ये सवाल मुझे समझ नहीं आया। इसका क्या मतलब? इसराइल की चीजों का बायकॉट के हवाले से मुस्तनद लिस्ट कैसे मालूम हो सकेगी? लोग बहुत सी चीजें बायकॉट में डाल रहे हैं, हकीकत कैसे पता चले बायकॉट करना आसान हो? देखें इसमें सबसे आसान चीज काम ये है कि आप जो पाकिस्तानी मसनूआत है उनको इस्तेमाल करना शुरू करें। ये जब तक हम ये नहीं करेंगे तभी फ्रांस का बायकॉट करते रहेंगे, फिर बर्तानिया का करते रहेंगे, फिर इसराइल का करते रहेंगे, और एक एक महीने के बाद किसी न किसी मुल्क का बायकॉट कर रहे होंगे। और बायकॉट में क्या होगा, चंद दिन में 2-4 लाख का उसको नुकसान होगा या चंद 1 करोड़ का होगा, और बस वो फिर बाद में अपने पैसे पूरे कर लेगा। हकीकत यह है कि हमें मेड इन पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान खरीदे, हमारी पहली तरजीह मेड इन पाकिस्तान होनी चाहिए। और जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं उन्हें आप मशवरा दें, उनको देखें परखें कि भाई आपका मेयार कमज़ोर है, आपकी फलां चीज में मसला है, तो उन तक फीडबैक पहुंचाएं। तो असल चीज़ यही है, असल कारनामा यही है कि मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग़ दिया जाए, पाकिस्तानी मसनूआत इस्तेमाल करना पहली तरजीह बना लें, फिर इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। तो अब वरना हर मुल्क की अलग अलग से लिस्टें, अब पहले अब फ्रांस की लिस्टें चलती थी, फिर कोई दूसरी, फिर तीसरी। पाकिस्तानी कंपनियां मेड इन चाइना लिखती हैं, हाँ वो एक्सपोर्ट के लिए लिख देती हैं क्योंकि मेड इन पाकिस्तान लेता कोई नहीं है ना। असल मसला यही है कि लोग कहते हैं मेड इन पाकिस्तान है दफा करो, यानी मेड इन पाकिस्तान है तो खराब ही होगी। तो इसके बजाय जब आप खरीदेंगे, मेड इन पाकिस्तान को तरजीह देंगे, तो लोग खुद ब खुद मेड इन पाकिस्तान लिखना शुरू कर देंगे। क्योंकि इस वक्त में तो पाकिस्तानी लोग आंखें बंद करके चाइना पहुंच जा रहे हैं। तो और
चाइना की चीजों पर एतमाद अंधा चल रहा है, तो उसकी बजाय पाकिस्तानी चीजों पर एतमाद आना चाहिए। एनजीओ के साथ काम करना कैसा है? वो इस पर है कि एनजीओ किस चीज की है, क्या काम कर रही है, एनजीओज का कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है? अगर इंसानी हकूक के लिए काम कर रही है तो करे, पाकिस्तान में लोगों की इमदाद कर रही है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी एनजीओ ना हो जो दरपर्दा कोई साजिशें कर रही है पाकिस्तान के रिजीम बदलने के लिए, और दूसरे हिडन एजेंडा अगर हो तो ऐसी एनजीओ के साथ काम नहीं करना चाहिए। वैसे जो इंसानी हकूक के लिए एनजीओज काम कर रही है उनके साथ तो कर सकते हैं, वो तो रिफाही काम, बहुत सवाब का काम। ठीक है जी, वक्त भी हमारा पूरा हो गया। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।